गुड मॉर्निंग एवरीवन, जस्ट गिव मी अ क्विक कंफर्मेशन, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। सबको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? यस सर। ओके ठीक, जस्ट अ सेकेंड। सो लास्ट टाइम हमने लॉक का इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा था, लॉक के लॉस देखे थे। नाउ उसी पे कुछ क्वेश्चंस और पेंडिंग है, पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग बेसिकली। सो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्विकली इसको ट्राई करूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। इतने बाकी लोग भी जाए, आई सपोज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल जॉइनिंग। हाँ, सो ट्राई दिस वन। 4 to the power log of 2x to the base 2, 4 to the power log of 2x to the base 2 is equal to 36. 4 to the power log of 2x to the base 2 is equal to 36. Then find the value of x. यहाँ पे आपको power की property use करनी है. So सब लोग try करो and let me know the value of x. You have 2 minutes. फिर मैं इसका solution discuss करूँगा. सर आपकी वॉल्यूम थोड़ी लो आ रही है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ अभी कंफर्म करो बेटा, अभी बराबर है? हाँ सर। ओके सर, वो 2 के पावर x है कि 2x? बट इट्स 2x। सर आंसर 3 है। आंसर इज 3। यस द आंसर इज 3 बेटा, करेक्ट। खैर ये बताओ कि आंसर प्लस माइनस 3 होता है या 3 होता है? प्लस माइनस, प्लस माइनस 3। ओके चलो ठीक है, लेट्स चेक। क्या सबका सॉल्व हुआ है? यस सर। ओके ठीक, चलो क्विकली एक बार चेक करना कि आप लोगों ने सेम प्रोसेस यूज किया है। नाउ सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लॉग की अपने पास एक प्रॉपर्टी थी, दैट प्रॉपर्टी इज कि हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। याद है लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लॉग का बेस सेम रख के हाँ इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन विल लुक लाइक 2x होल टू द पावर लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 36। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। नाउ ये जो log 4 टू द बेस 2 है, इसका वैल्यू क्या होगा बेटा? 2 आ जाएगा सर। यस, क्योंकि इसको आई कैन राइट log ऑफ 2 स्क्वायर टू द बेस 2। नाउ वी नो के पावर है, तो पावर तो उठ के log के आगे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू 2 टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 2 व्हिच इज इक्वल टू 2। नाउ इसको सिंपलीफाई करते हैं फर्दर, तो यहां पे हो जाएगा आपके पास 2x, ये हो जाएगा 2x होल टू द पावर 2। हाँ यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये जो पावर 2 आएगी ये बेसिकली पूरे 2x पे आएगी। आप लोग कभी कभी क्या करते हो, खाली x पावर लगाते हो, इसलिए आपका आंसर नहीं आता। सो 2x होल टू द पावर 2 इक्वल टू 36। नाउ जब मैं लिख रहा हूँ 2x होल टू द पावर 2, तो अल्टीमेटली इट बिकम्स 4x स्क्वायर इक्वल टू 36, और आई कैन से x स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 हुआ तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्लस माइनस 3। बट यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है? वो ट्विस्ट क्या है समझना, हम डिफाइन कर रहे हैं लॉग को। अब आप ऑब्जर्व करो कि लॉग के अंदर 2x लिखा हुआ था, ठीक है? अगर x नेगेटिव हुआ तो हमने लॉग के कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि नेगेटिव नंबर के लिए तो लॉग डिफाइन नहीं होता ना बेटा। क्या लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नंबर आ सकता है? नहीं सर, नहीं, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो इसीलिए
भले ही सॉल्व करने पर आपको दो आंसर मिले हैं प्लस माइनस थ्री, बट अल्टीमेटली जो आपका फाइनल आंसर होगा दैट शुड बी ओनली एक्स इक्वल्स टू थ्री, ठीक है? माइनस थ्री आपके आंसर का पार्ट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा वो सबको समझा? हाँ, बिकॉज लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है? सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? सॉल्व कैसे किया? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड. नाउ इस टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, क्विकली उसको भी ट्राई करना. ट्राई दिस वन. लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 65 टू द बेस 5 माइनस एक्स equals to 2. Log of x square minus 2x plus 65 to the base 5 minus x is equals to 2. Then find x. Solve this expression or equation and find the value of x. Try karo sab log. सर एक मिनट, इससे पहले वाला ऑप्शन दिखाइए ना. यस बेटा, जस्ट अ सेकेंड. हाँ चेक कर लो एक बार. सर वो वहाँ फोर्थ स्टेप पे 2x स्क्वायर कैसे आया? 2x के ऊपर स्क्वायर कैसे लगा? ओके, देखो यहाँ पे कैसा है ना, फोर्थ स्टेप में बेसिकली आपका जो पावर था ना वो पावर था log 4 टू द बेस 2. दिस वाज द पावर. तो मैंने log 4 टू द बेस 2 को सेपरेटली सॉल्व किया. जब log 4 टू द बेस 2 को सॉल्व किया तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ गया अपने पास? 2 आ गया. जब ये वैल्यू 2 आया तो मैंने इस पूरे पार्ट को 2 से रिप्लेस कर दिया. अब ये जो पार्ट था ना ये खाली x का पावर नहीं था, ये एक्चुअली में 2x का पावर था, क्योंकि 2x के पूरे पावर में लॉग चल रहा था, क्योंकि हमने जो रिप्लेस किया वो यहाँ पे किया था, तो 2x की होल पावर में ये चल रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 2x का होल स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर को सेपरेटली सॉल्व कर लिया. 2 का स्क्वायर बिकम्स 4, x का स्क्वायर बिकम्स x स्क्वायर. यस अच्छा, x का वैल्यू माइनस फाइव आ रहा है. Yes. हाँ, the answer is correct. अब सोच के बताओ कि माइनस फाइव जो है वो डिफाइन होगा, मतलब उस पे log डिफाइन होगा कि नहीं होगा? नहीं. Okay, थोड़ा सोचो. होगा सर. यस होगा. हाँ बेटा, आंसर माइनस फाइव आ रहा है. Negative. हाँ माइनस फाइव है. यस नेगेटिव है. क्या उसके अलावा और कोई आंसर आ रहा है? चलो अब थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन में. यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले अपने को लॉग को रिमूव करना है. सो लॉग को रिमूव करने के लिए हमने स्टेप सीखा था कि हम यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो लॉग का बेस है वो राइट साइड में नंबर का बेस बन जाएगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 65. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 2. और ये जो बेस था ये बेस था 5 माइनस x. तो जब इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये 5 माइनस एक्स यहाँ पे जाएगा बेस में, एंड अल्टीमेटली द इक्वेशन रिड्यूसेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल्स टू
5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 65 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, इस 10x को शिफ्ट करता हूं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 10x इक्वल्स टू 25 माइनस ऑफ 65, ठीक है। अब इसको अरेंज करते हैं तो ये बनेगा अपने पास 8x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 40। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस पार्ट तो आपको मिलेगा कि x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 5, ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर नेगेटिव वैल्यू कैसे आ सकता है, क्योंकि आपने तो बोला था कि लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं करता। तो यस बेटा करेक्ट है कि लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन तो नहीं करता। इस केस में एक चीज समझो, हम ये नहीं बोलते कि एक्स का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, हम ये बोलते हैं कि लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जो आंसर आया है वो आया है एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। अगर मैं एक्स इक्वल टू माइनस 5 यहाँ पुट करूंगा तो जरा मुझे बताओ लॉग का बेस क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। यस दैट इज पॉजिटिव, मतलब बेस तो डिफाइन हो गया। नहीं बेटा जीरो नहीं बनेगा, 10 बनेगा। एंड सेकेंडली जब मैं x इक्वल टू माइनस 5 यहाँ पुट करता हूँ इस लॉग के अंदर तो यहाँ बनेगा 25 प्लस 10 प्लस 65, मतलब यहाँ भी एक पॉजिटिव नंबर बन रहा है। तो डिपेंडेंसी x के ऊपर नहीं है, डिपेंडेंसी है कि x को पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर बेसिकली क्या है। अगर वो आंसर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है लॉग के अंदर देन वो x का वैल्यू अलाउड है, अगर वो आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा देन वो x का वैल्यू अलाउड नहीं है। तो ये समझे कि नेगेटिव वाला पार्ट होके भी सॉल्यूशन कैसे हो गया। Yes. हाँ तो इस लॉजिक को ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअली इसको चेक कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। चलो नाउ एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, क्विकली इसको भी ट्राई करो। हाँ ट्राई दिस वन, लॉग टू द बेस 3 ऑफ 3 raised to x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 minus x। लॉग टू द बेस 3 ऑफ 3 raised to x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 minus x। हाँ ट्राई करो इसको। सर इसका 2 आ रहा है सर। एक सेकंड बेटा, क्या बोला आंसर फाइनली? 2। हाँ बेटा 2 इसका एक सोल्यूशन है। अब मुझे ये बता के हिट एंड ट्रायल से मतलब मैन्युअली किया या फिर प्रॉपर प्रोसेस से सॉल्व किया। जैसे एक तो क्या होता है ना, मैन्युअली किया, ठीक है चलेगा। ओके मतलब बेसिकली वैल्यू पुट करके चेक किया बस खाली कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक That process works fine, but इसमें होता क्या ना, इसमें एक drawback खाली ये है ना कि कभी कभी थोड़े से random answers भी मिलते हैं, like 1, 2, 3, 4 तो हो सकता था पर कोई fraction का answer होता या फिर कोई negative answer बड़ा सा होता तो वो आपको directly hidden trial से नहीं मिलता। But ठीक है, for this question it will work out, x equal to 2 is the answer। चलो अब एक बार try करो कि इसको proper process से solve करने का, देखो अगर solve कर पाओगे properly तो।
बाद में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना। ये मतलब ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा, वहां से इजीली सॉल्व होगा। यस हाँ, anybody got the answer? Anyone? सर x is equal to 1 है। ओके, चलो एक बार थोड़ा चेक करते हैं बेटा, x equal to 1 एक्चुअली नहीं हो सकता, बट यहाँ समझना ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल भी था। आ गया। टू आ गया, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, बिकॉज यहाँ पे सॉल्व करने में क्या था ना कि आपको पावर के कुछ प्रॉपर्टीज यूज करने थे, तो अगर आपको पावर की प्रॉपर्टीज पता है तो इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, तो एक बार देख लेना कैसे। Now, to start with, सबसे पहला स्टेप तो क्लियर है कि आपको लॉग को एलिमिनेट करना है। जब लॉग को एलिमिनेट किया तो होगा क्या कि ये एक्सप्रेशन दिखेगा 3x-8 इज इक्वल टू 2 की पावर 2-x। क्या सबको समझा है मैंने कैसे लिखा? सर 3 के पावर 2-x में। अरे सर, माय बैड। बेस में 3 आएगा बिकॉज हमने 3 को शिफ्ट किया है। यस, सो इट शुड बी 3 की पावर 2-x। ये पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ अब मैं कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज पूछ रहा हूँ, उनको बताने का ट्राई करना। व्हाट इज एक्स टू द पावर ए माइनस बी? इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? क्या इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर बी? हाँ सर, ठीक है। यस सर, तो वही मैं, हाँ वही कॉन्सेप्ट मैं इसके आरएचएस को सॉल्व करने के लिए यूज करूंगा। देखो कैसे, यहाँ मैं लिखूंगा 3x-8, दिस टर्म विल रिमेन एज इट इज। राइट साइड में ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 3x। ये अभी समझा कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. Okay, very good. Now, ये 3x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x-8 × 3x = 3² दैट इज इक्वल टू 9। अब मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजीएस्ट और लॉजिकल मेथड कौन सा होगा? सर 3 में भी मल्टीप्लाई होगा ना, 3 × 2 = 6 × 2 = 2। नहीं बेटा, अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे एक्चुअली अगेन प्रॉपर्टी आता है एक्सपोनेंशियल का और प्रोडक्ट का। यू कैन सी यहाँ पे समझो, सपोज कहीं पे लिखा हुआ है x^a (x^b), तो इसका मतलब क्या होता था? x^a + b, यही था? हाँ सर। अब yes, देखो sir, yes. जब हाँ जब ये 3x आपके पास इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा तो x + x 2x बन जाएगा बेटा। अभी ठीक है? यस सर। ओके चलो, अब यहाँ पे समझना इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट वे होगा, वी अज्यूम 3x = t, जहां पे 3x लिखा हुआ है उसको मैं बेसिकली t पुट करता हूँ। अज्यूम 3x = t। जब मैंने 3x को t अज्यूम किया तो कैन आई से मेरा फर्स्ट टर्म t² हो जाएगा, यस और नो? ठीक है, सेकंड टर्म क्या बनेगा? -8 टाइम्स ऑफ t,
और माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, क्या ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया? हाँ सर। यस सर। ओके, अब मुझे इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बताओ बेटा। नाइन वन जा फाइव। वेरी गुड, नाइन इन वन। तो इसको आप लिखोगे टी स्क्वायर माइनस नाइन टाइम्स ऑफ टी प्लस टी माइनस नाइन प्लस टी माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से टी कॉमन लिया, ये टी माइनस नाइन प्लस वन कॉमन लिया, दिस बिकम्स टी माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। सो अल्टीमेटली ये बनेगा टी माइनस नाइन इंटू टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे आपको टी के दो वैल्यूज मिलेंगे, फर्स्ट वैल्यू होगा टी इक्वल टू नाइन, सेकेंड वैल्यू होगा टी इक्वल टू माइनस वन। मुझे खाली ये कंफर्म करो यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर, जो हमने टी का आंसर निकाला। यस सर। ठीक है, बट अल्टीमेटली जो क्वेश्चन था वो तो टी का नहीं था, क्वेश्चन में तो अपने को एक्स निकालना था बेसिकली। तो अब इस टी की वैल्यू से एक्स कैसे निकालेंगे वो समझो। अपने पास हमने टी इक्वल टू अज्यूम किया था थ्री टू दी पावर एक्स। अब मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करूंगा, देखना कैसे। मैं यहाँ पे जो टी के वैल्यू आए हैं उसको एक्स से रिप्लेस करता हूँ, इनफैक्ट उसको मैं रिप्लेस करता हूँ थ्री रेस टू एक्स से। तो थ्री रेस टू एक्स इक्वल टू नाइन, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। थ्री रेस टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। पहले जरा सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ क्या ऐसा कभी हो सकता है कि थ्री रेस टू एक्स थ्री की कुछ पावर रेस करने पे आंसर माइनस वन मिले? नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं हो सकता बेटा? सर ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब स्क्वायर या तो क्यूब ही लेंगे ना हम। हाँ, स्क्वायर क्यूब नहीं, आप नेगेटिव पावर भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता कोई भी पावर लेके। हाँ, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। उसका कॉन्सेप्ट और उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। द लॉजिक इज कि अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर की कुछ भी पावर रेस कर दो तो उसका जो आंसर है दैट विल ऑलवेज ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर नंबर है तो पावर कुछ भी रेस करने पे आंसर हमेशा आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। उसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस केस का जो आंसर आएगा ना आपके पास सेकंड केस का, वहां पे आप सिंपली लिख दोगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसा कोई एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जिसको रेस करने पे थ्री का पावर एक्स माइनस वन बन जाए। तो इस केस का आंसर तो क्लियर था कि इस केस का आंसर आपके पास आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? हाँ। अब लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं। तो थ्री रेस टू एक्स इक्वल टू नाइन, ये तो अपने को सॉल्व करना आता है। इसको सॉल्व करने के लिए लॉजिक बहुत सिंपल सा था। अगर 3 रेस टू एक्स इक्वल टू 9 है तो आप क्या करोगे, राइट साइड को लिख दोगे 3 का स्क्वायर, और अगर 3 रेस टू एक्स इक्वल टू 3 स्क्वायर है तो x का वैल्यू आपके पास क्या हो गया, बेसिकली 2। दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, जो x इक्वल टू 2 आपका आया था वो यहां से आना चाहिए। तो x इक्वल टू 2 इज द फाइनल आंसर टू रिथमिक इक्वेशन। चाहिए तो हम चेक भी कर लेंगे कि 2 पुट करने पे ना लॉक के अंदर पॉजिटिव वैल्यू बनना चाहिए। आप चेक करो, जब आप x इक्वल टू 2 पुट करोगे इन दिस एक्सप्रेशन तो 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8 बिकम्स 1। कैन आई से लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू बन रहा है? हाँ सर। और अगर लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू बना तो लॉग डिफाइन हो गया, दैट्स इट। ठीक है, सो सबको समझा है सॉल्व कैसे किया क्वेश्चन? हाँ सर। नोट करना ये क्वेश्चन, ये ऑलरेडी कर चुके हो सर, करना है नोट। हाँ, क्विकली नोट कर लो। सर लॉग के कौन से बुकलेट में? बेटा लॉग के क्वेश्चन ना बुकलेट में नहीं मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि बुकलेट में आपके पास वो टॉपिक्स दिए हैं जो एग्जाम के हार्डकोर टॉपिक्स हैं। लॉग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो इसका प्रैक्टिस शीट मैं अलग से दे दूंगा। इनफैक्ट मैंने ग्रुप पे डाल भी रखा है, एक बार वापस शेयर कर दूंगा उसको, तो वो सॉल्व कर लेना बस खाली। ओके सर। ओके बेटा। Thank you.
डन सर। ओके चलो सबका हो गया? नो सर। सर एक डाउट है, वो 3 की पावर 2x कैसे आया बेटा? देखो एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये जो 3 की पावर x था इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ, तो ये 3 की पावर x दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म में भी होगा और सेकंड टर्म में भी होगा। जब फर्स्ट टर्म में 3 की पावर x मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर x इनटू 3 की पावर x मतलब ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा, दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो x प्लस x मतलब 2x बन जाएगा, और सेकंड टर्म में डायरेक्टली ये बनेगा 8 टाइम्स ऑफ 3 की पावर x, ये समझे? हाँ हाँ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं क्विकली, इसको सब लोग ट्राई करो, ट्राई दिस वन। इट सेज 4 to the power log x to the base 10 इज इक्वल टू 32 माइनस x टू द पावर log 4 टू द बेस 10। Solve this equation and find the value of x. Solve this equation and find the value of x. 4 to the power log x to the base 10 equal to 32 minus x to the power log 4 to the base 10. हाँ, anybody got the answer? Anyone? Yes, sir. हाँ बेटा बोलो क्या आया? Sir, 100 आया है। 100, very good, correct answer. चलो मुझे खाली अप्रोच बताओ कैसे स्टार्ट किया बेटा? कोई प्रॉपर्टी यूज किया सिंप्लीफाई करने के लिए? हाँ, कोई प्रॉपर्टी यूज किया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए? हाँ, सर, पहले मतलब ओके ठीक है परफेक्ट। चलो जो आपने बोला वो अप्रोच स्टार्ट बराबर है, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे आपके पास ना ये जो टर्म है लॉग का एंड दिस टर्म दे आर काइंड ऑफ सिमिलर। सिमिलर कैसे हैं वो समझना। अपने पास एक प्रॉपर्टी था लॉग का विच सेज कि अगर आपके पास ए टू द पावर लॉग ऑफ सी टू द बेस बी लिखा हुआ है तो इसी को यू कैन राइट सी टू द पावर log of a to the base b। technically हमने क्या बोला था कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, इन दोनों का
वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हो सी और ए का. ये सी और ए आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं. ये सबको पता है, डिस्कस किया था लॉ ऑफ पावर में. हाँ सर. यस सर. ठीक है, यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करो दोनों लॉग को. ये दोनों जो लॉग है इसमें ये प्रॉपर्टी का ज्यादा बेनिफिट है, बिकॉज अगर आपने किसी भी एक लॉग को चेंज कर दिया पावर के थ्रू तो आपके पास डेफिनेटली सेम टर्म बन जाएंगे. और वही अप्रोच मैं यहाँ भी यूज करता हूँ. देखना कैसे, आई विल कीप द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज. लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा 4 टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 32. ये समझे कैसे लिखा मैंने, जो राइट साइड का लॉग था उसको मैंने प्रॉपर्टी लगा के चेंज कर दिया, 4 को नीचे ले लिया, x को ऊपर ले लिया, तो इट बिकम्स 4 टू द पावर लॉग x टू द बेस 10. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. ओके, अब ये दोनों टर्म दिखने में सेम है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4 टू द पावर लॉग x टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 32. अब इस 2 से डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, 4 टू द पावर log x to the base 10 is equal to 32 divided by 2, that is 16. अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 का पावर चल रहा है, राइट साइड पे भी 4 का पावर है, तो इसको मैं लिखूंगा 16 is nothing but equal to 4 square. Now दोनों कंपेयर करते हैं, दोनों का बेस सेम है 4, दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए, मतलब ये बनेगा log of x to the base 10 is equal to 2, or I can say x is equal to 10 to the power 2, that is equal to 100. ये आ जाएगा आपके पास final answer. X is equal to 10 square, that is equal to 100. Simplify कैसे किया, सबको समझा? हाँ सर. So basically ये जो question था ना, ये primarily एक property पे based था. अगर आपने वो property का start अब properly किया और उसको apply किया तो definitely question solve होना ही था, but without using that property इसको solve करना typical हो जाता है बस खाली. आपने 2 कैसे कॉमन लिया? 2 कैसे कॉमन लिया बेटा, कहाँ पे? एक सेकंड, इस 2 की बात कर रहे हो क्या, इस वाले 2 की? यस. हाँ बेटा, 2 कॉमन नहीं लिया. देखो ये जो टर्म लिखा है, लेट अस से इसको मैंने बोला कि ये टर्म कुछ ए है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए हो गया, दोनों सेम दिख रहे हैं, और a प्लस ए का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ ये, तो मैंने वही लिखा बेसिकली, दिस प्लस दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, और फिर 2 से कैंसिल आउट कर दिया, 2 कॉमन नहीं लिया बेटा मैंने, दोनों सेम टर्म थे तो उनको ऐड करके 2 टाइम्स ऑफ द सेम टर्म बन गया बस खाली, वो हमने यूज किया. हाँ, नोट किया सबने? हाँ सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, ट्राई करना. नो सर, मैं नोट किया है, एक बार दिखाओ. ठीक है, नोट कर लो पहले. सर लास्ट थर्ड स्टेप समझाओ ना. बेटा ये वाला? यस सर, इधर से समझाओ. हाँ देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा था, 4 की पावर लॉग एक्स टू द बेस 10, और राइट साइड पे है 4 स्क्वायर, दोनों का बेस यानी कि 4 दोनों का सेम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए, तो मैंने अल्टीमेटली क्या कर दिया, दोनों की पावर को इक्वेट कर दिया, लॉग एक्स टू द बेस 10 शुड बी इक्वल टू 2,
अगर log x to the base 10 equal to 2 है, तो log को remove करने के लिए क्या करते थे, ये जो 10 है ये जाएगा आपके पास 2 के बेस में, तो अल्टीमेटली बचेगा x is equal to 10 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, ओके yes. okay. चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्विकली इसको भी ट्राई कर लो। हाँ, सो ट्राई दिस वन। log to the base 2 log to the base 2 of 4 into 3 raised to x minus 6 minus log to the base 2 of 9 raised to x minus 6 equals to 1। क्वेश्चन को समझना, log of 4 into 3 raised to x minus 6 to the base 2 minus log of 9 raised to x minus 6 to the base 2 is equal to 1, then solve and find the value of x. Find x. Try करो इसको। अच्छा, जस्ट खाली मुझे starting का approach बताना, पहला step क्या होगा, initiate कैसे करोगे? Sir, property लगेगी इसमें, difference very, वाले divide. Very good. Perfect, perfect. Difference का property लगेगा, तो पहले step में आप इसको difference property की help से log a by b के form में लिखोगे, फिर simplify करोगे. Correct है? Try करो चलो सब लोग। जस्ट अ सेकंड बेटा, x इक्वल टू आप बोल रहे हो 1, नहीं बेटा इसका आंसर 1 नहीं है, चेक करो कैलकुलेशन। अच्छा सॉरी, ये वाला क्वेश्चन है ना, हाँ x इक्वल टू 1, यस परफेक्ट, 1 करेक्ट आंसर इसका। अगेन वापस से वही हिट एंड ट्रायल ट्राई किया या फिर मतलब प्रॉपरली सॉल्व किया है पूरा? सर उसको टी अज्यूम करके कर सकते हैं ना, एक्स को टी अज्यूम करके किया। हाँ हाँ चलेगा, वैसे कर सकते हो, बेटर रहेगा। चलो थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ, इनफैक्ट जो आपने पहला स्टेप बोला है दैट इज वेरी मच करेक्ट। हां सर वो बना रहा है, हां ट्राई कर लो, कोई इशू नहीं। यस 1 इज द करेक्ट आंसर बेटा।
सर हो गया। ओके सबका आ गया आंसर? यस सर मेरा भी आ गया। ओके चलो एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सो इन दिस केस यहाँ पे अपने पास स्टार्ट करने के लिए सबसे इजी अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि अपन यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बट प्रॉपर्टी यूज करने के भी पहले मैं एक काम करता हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि 3x को t अज्यूम कर लेता हूँ, उसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ। यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो सिर्फ x नहीं है, वेरिएबल पावर में x चल रहा है बेटा। सो 3x को अगर मैंने t अज्यूम किया तो उससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा वो अभी आप देखना, आपको समझेगा। यहाँ पे अगर 3x t है तो मुझे बताओ 9x का मतलब क्या होगा सर? t square, yes. तो अपना 3x t था, मैंने यहाँ पे जो ये टर्म है इसको t से रिप्लेस किया, तो ये हो गया 4t-6, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में अपने पास लिखा था log टू द बेस 2, इसको मैं लिख दूंगा t square-6 इज इक्वल टू 1। क्या सबको ये समझा कि मैंने पावर जो था 3x उसको t से रिप्लेस किया तो ये क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ? ओके चलो अब इसका चेंज होने का बेनिफिट देख लो। log ऑफ a माइनस log ऑफ b हमने प्रॉपर्टी पर रखी है कि कभी भी आपके पास अगर log x टू द बेस a लिखा हो माइनस log y टू द बेस a लिखा हो तो इसी को आप लिख सकते हो log ऑफ x अपॉन y टू द बेस a। मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, देखना कैसे। इसी को आई कैन राइट log ऑफ 4t-6 the whole upon t square-6 the whole to the base 2 is equals to 1. log of 4t-6 upon t square-6 the whole to the base 2 is equals to 1. now isko further simplify karte hain. further simplify karne ka matlab kya ho gaya, 4t-6 the whole upon t square-6 is equal to 2. maine kya kiya, log ko remove kar diya simply by taking 2 to the base of 1 basically. तो 4t-6 upon t square-6 that is equals to 2. यहां तक के पार्ट में किसी को डाउट? एनीवन? नो सर। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको अरेंज करते हैं। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4t-6 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t square-6। सिंप्लीफाई करेंगे सो 4t-6 इज इक्वल टू 2t square-12। नाउ इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का मतलब क्या हो गया, अब ये बनेगा 2t square-4t-6 इक्वल टू 0। बेसिकली मैंने क्या किया, जितने भी LHS के टर्म थे इन सबको नेगेटिव बना के RHS में शिफ्ट कर दिया, तो 2t square तो हो गया एज इट इज, प्लस 4t राइट साइड में शिफ्ट होके बन जाएगा -40, -6 यहाँ पे शिफ्ट होके +6 बनेगा, तो नेट -6 बचेगा। नाउ इन तीनों टर्म में से आई कैन टेक 2 कॉमन, ले सकता हूँ। तो ये बनेगा t square-2t-3 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ ये जो क्वाड्रेटिक बना है विच इज t square-2t-3 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 और -1। यस -3 और +1 बेसिकली आई शुड से t square-3t + t-3 इज इक्वल टू 0। आई कैन टेक t कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये हो जाएगा t-3 +1 common, so it is again t-3 equal to 0. So the expression reduces to t-3 into t+1 equal to 0. So यहाँ से अपने को t के दो answers मिले, first मिला t is equal to 3 and second हो गया अपने पास t is equal to -1. Obviously we know कि हमको t तो solve नहीं करना था, हमको क्या solve करना था basically? किसका वैल्यू निकालना था आपको? 3x की पावर x, और आई शुड से x बेसिकली। तो अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो अब मैं इस t को 3 की पावर x से रिप्लेस करूंगा। यहाँ पे जो अपने पास रिजल्ट बनेंगे वो कुछ ऐसे होंगे, फर्स्ट होगा 3x² इज इक्वल टू 3 और सेकंड हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू -1। नाउ 3x² इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ? सब पावर 1 है। यस वेरी गुड, x का जो वैल्यू होगा दैट इज पावर वो कितना हो जाएगा अपने पास बेसिकली 1। तो x इक्वल टू 1 विल बी द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। एंड सेकंड केस में 3x² इक्वल टू -1, इसके बारे में क्या बोल सकते हो सर? नो सॉल्यूशन। यस नो सॉल्यूशन।
अगेन विद द सेम रीजन, बिकॉज किसी भी पॉजिटिव नंबर की अगर आप कुछ पावर रेस करोगे तो आपको कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं मिल सकता, तो उस केस का आंसर रहेगा अपने पास नो सॉल्यूशन। सो इन दोनों केस को सॉल्व करके अल्टीमेटली जो एक्स का वैल्यू आया माइनस वन, वो कैसे आया वो सबको समझा? यस सर। चलो नोट करना है ये वाला। हाँ सर। हाँ क्विकली नोट करो। सर। हाँ बेटा। सर आप इसका पीडीएफ डालोगे ना ग्रुप में? हाँ हाँ डेफिनेटली बेटा। ओके सर। पीडीएफ भी आ जाएगा और इसका रिकॉर्डिंग भी आएगा, आपको दोनों मिल जाएगा ग्रुप में। सर वो फोर्थ स्टेप में 2t² - 2t - 3 = 0 है, तो अगले स्टेप में उसका 2 कहाँ गया सर? बेटा ये 2 मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना कि अगर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए। अब ये टू तो जीरो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली इसको जीरो होना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, मैंने सेकंड टर्म को इक्वल टू जीरो कर दिया। अल्टरनेटली इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि अपने पास ये जो टू है इसको आप इस जीरो के अपॉन में शिफ्ट कर दोगे, तो जीरो अपॉन टू इज नथिंग टू जीरो, दैट मींस t² - 2t - 3 = 0। हाँ बेटा। आप लोगारिथम का फर्स्ट लेक्चर का भी रिकॉर्डिंग भेजोगे क्या? बेटा मैंने ग्रुप पे डाल रखा है ऑलरेडी लेक्चर का रिकॉर्डिंग, फर्स्ट लेक्चर का। ओके। जो आपका हाँ परसों लेक्चर हुआ था, मैंने उसका रात को ही लेक्चर में रिकॉर्डिंग डाल दिया था, एक बार आप चेक कर लो, अवेलेबल है लेक्चर वहाँ पे। ओके। चलो नाउ ट्राई द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेट्स सी। Again, complicated in terms of calculation only. So, try this one. Log to the base 2 of 25 to the power x + 3 - 1 is equals to 2 plus log to the base 2 of 5 to the power x + 3 + 1। क्वेश्चन दिया है log to the base 2 of 25 to the power x + 3 - 1 is equal to 2 plus log to the base 2 of 5 to the power x + 3 + 1, then find x। सेम टाइप का है, सिर्फ दिखने में टिपिकल है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन ट्राई किया वैसे इसको भी ट्राई करो, आ जाएगा आंसर।
सर x का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है x का वैल्यू नेगेटिव है, लेट मी क्रॉस चेक। हां बट x का नेगेटिव आएगा सर इस केस में, कितना आ रहा है? नेगेटिव 3 आ रहा है सर। -2 सर, -2 आना चाहिए। यस यस यस, परफेक्ट। मुझे खाली इतना बताओ कि आपने इनिशिएट कैसे किया क्वेश्चन का, पहला स्टेप क्या लिया सर? सर वही ये अज्यूम किया, को टी के लिया और फिर माइनस वाला प्रॉपर्टी लगा दिया। बस बस परफेक्ट है, और उतना स्टार्ट किया तो करेक्ट है बिल्कुल। चलो स्टार्टिंग का स्टेप इंपॉर्टेंट था, अब जो आप लोगों ने स्टेप बोला है उसी स्टेप को रेफरेंस देते हुए मैं सॉल्व करता हूं, चेक करना सब लोग प्रॉपर्ली। यहां पे स्टार्ट करने के लिए 5 टू द पावर x प्लस 3 जो है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं t। जब मैंने 5 टू द पावर x प्लस 3 को t अज्यूम किया तो ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा? अब ये क्वेश्चन हो जाएगा log टू द बेस 2। अगर 5 टू द पावर x प्लस 3 t है तो 25 टू द पावर x प्लस 3 हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। जो राइट साइड का लॉग था उसको भी लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूं, तो दिस बिकम्स नेगेटिव ऑफ लॉग टू द बेस 2 टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। एक बार चेक कर लो, सबको सेम दिख रहा है? यस सर। ओके, नाउ अब इसके बाद क्या होगा सिंपलीफाई करने के लिए? यहां पे लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर आपने लॉग ए माइनस लॉग बी का प्रॉपर्टी यूज किया तो ये हो जाएगा लॉग टू द बेस 2 ऑफ t square minus 1 the whole divided by t plus 1 is equals to 2। Now, अब यहाँ पे जो आपके पास log है, अगर मैं इसको remove करता हूँ तो ये जो base है ये base right side में आ जाएगा and ultimately expression क्या बचेगा? Expression दिखेगा t square minus 1 the whole divided by t plus 1 is equal to 2 का square, that is 4। Now, मुझे ये बताओ t square minus 1 को क्या लिख सकते हो? क्या उसको लिखूं t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1? बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस, यहां पे जो आपके पास t स्क्वायर माइनस 1 था उसको आई कैन राइट t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जिसका की मतलब हुआ t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1। ये हो जाएगा t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, तो मैंने वही लिखा। बेनिफिट क्या हुआ वो समझ लो, यहां पे जब हमने इसको t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 लिखा तो t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे अपने पास जो टर्म बनेगा वो हो जाएगा t माइनस 1 इक्वल्स टू 4 और t इज इक्वल्स टू 5। दिस विल बी योर फाइनल आंसर बेसिकली। सो सिंपलीफाई कैसे किया सबको समझा अभी? यस सर। हाँ सर, अगेन हमको t तो सॉल्व नहीं करना था, t तो अपने पास वैल्यू आया है, हमको तो x सॉल्व करना था। तो अगेन t का मतलब था 5 टू द पावर x प्लस 3, अब इसको रिप्लेस कर देते हैं। t का मतलब अपने पास था 5 टू द पावर x प्लस 3, so this question reduces to 5 to the power x plus 3 is equal to 5। obviously agar x 5 ki power x plus 3 equal to 5 ki power 1 hai, that certainly means ke dono ka base same ho gaya, to aap power ko equate kar doge, to yahan pe condition milega x plus 3 is equal to 1 or x is equals to minus 2। this will be your final answer, x is equals to minus 2। yahi process use kiya tha sab logo ne? Haan sir। चलो वेरी गुड। ओके, नोट करना है किसी का ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ नोट कर लो क्विकली। सर हाँ बेटा, सर इसको मैंने क्वाड्रेटिक से किया था, जो चलता है ना? हाँ हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपने इसको लेट से, मैं बोलता हूँ आपने क्या किया होगा, आपने यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं किया, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया, बराबर ना? यस चलेगा, आंसर सेम आएगा बेटा, डोंट वरी। डन। चलो नोट डाउन द नेक्स्ट वन, ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर।
इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्विकली ट्राई कर लेना. वन ऑफ द टाइप जो हमने भी डिस्कस भी किया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है. इट सेज 7 to the power log x to the base 10 इज इक्वल टू 98 माइनस x टू द पावर log 7 टू द बेस 10. 7 टू द पावर log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 98 माइनस x टू द पावर log 7 टू द बेस 10. क्विकली ट्राई करो, लेट मी नो द आंसर. सर इसका भी आंसर 100 है सर. 70 आंसर भी 100 आ रहा है सर. 100 ओके जस्ट अ सेकंड. आप में से काफी लोग बोल रहे हैं आंसर 100 है, लेट मी क्रॉस चेक. सर 70 यस बेटा. नहीं बेटा आंसर 100 है, चेक कर लो एक बार. चलो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. ज्यादा टिपिकल नहीं था, इजी क्वेश्चन ही है. इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी सॉल्व किया था, ये उस टाइप को ही बिलोंग करता है, विच इज जहां पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया था. द प्रॉपर्टी इज ए टू द पावर लॉग ऑफ सी टू द बेस बी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज सी टू द पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी. आई होप सबने यही प्रॉपर्टी यूज किया सिंप्लीफाई करने के लिए. यस सर. हां सर. वेरी गुड. Now, अब इसको सॉल्व करने के लिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, I'll keep that as it is, 7 to the power log x to the base 10. Right side को मैंने अरेंज किया और शिफ्ट किया वापस से, 7 to the power log x to the base 10 plus इसको भी अरेंज कर लिया राइट साइड को, और ये भी सेम बन जाएगा आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी. 7 to the power log x to the base 10 is equals to 98. Now, ये हो गया अपने पास 2 times of, क्योंकि दोनों सेम टर्म लिखे हुए हैं, 2 टाइम्स ऑफ 7 टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 98. अगेन इस 2 को 98 से कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा आपके पास 49. सो अल्टीमेटली आपको इक्वेशन दिखेगा 7 टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू 49. नाउ ये जो 49 है दिस कैन बी रिटर्न एज 7 का स्क्वायर. तो 7 टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस 10 कैन बी रिटर्न एज 7 स्क्वायर. दोनों का बेस 7 इज कॉमन, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर रहेगा पावर को हम मैच कर देंगे तो वो हो जाएगा log of x to the base 10 is equals to 2. Now if log of x to the base 10 is equal to 2 है तो x का वैल्यू हो गया अपने पास 10 स्क्वायर, और आई कैन से x is equals to 100. सबने यही अप्रोच यूज किया सॉल्व करने के लिए. यस सर. यस सर. वेरी गुड, परफेक्ट. आई होप इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन था. चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट ट्राई करो, जस्ट अ सेकेंड. नाउ ट्राई दिस वन. लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 दी होल टू द बेस x प्लस 2 इज इक्वल टू 3. देन फाइंड x. लॉग ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 दी होल टू द बेस x प्लस 2 इज इक्वल टू 3. देन फाइंड x. Try this one.
टू। किसी और का सेम आंसर आया है? माइनस टू आया है। एक ही आंसर आया या फिर और भी आई है, मुझे बताओ। नहीं सर, जीरो आएगा, माइनस टू सॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो आएगा आंसर। जीरो आएगा, ओके ठीक है। सो दो आंसर्स मुझे आ रहे हैं सुनने में, एक माइनस टू आ रहा है, एक जीरो आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है। चलो टू नहीं है बेटा, टू इज नॉट द आंसर, आइदर इट्स माइनस टू और जीरो। चलो इससे मुझे खाली ये बताओ कि आपने क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे किया, इनिशिएट करने का अप्रोच क्या था आपका? एक्सपोनेंशियल सर, x plus 2 को राइट हैंड साइड पे लिया। वेरी गुड, लॉगरिथम को आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, बट माइनस टू हो नहीं सकता, उसका रीजन अभी हम जस्टिफाई करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू, जब इसको आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू, x प्लस 2 का होल क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 3a स्क्वायर b विच इज 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर विच इज 12 टाइम्स ऑफ x। ये सबको समझा मैंने क्या किया? Yes. हाँ, yes, मैंने फॉर्मूला यूज किया है a प्लस b का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर। नाउ अब समझना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्यूब से x क्यूब तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आपके पास अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं, तो जितने भी टर्म्स राइट साइड में हैं, इन सबको मैं उठा के शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट साइड में। इनफैक्ट 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? ठीक ठीक चलेगा। नाउ लेफ्ट साइड चलेगा, लेफ्ट साइड के टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6x इज इक्वल टू जीरो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 18 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से 9x कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब समझना, अब आएगा इंपॉर्टेंट पार्ट, इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है 9x और x प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली जीरो आ रहा है। तो अगर प्रोडक्ट जीरो आया तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट या तो फर्स्ट नंबर जीरो होना चाहिए, that certainly means के x equal to क्या आ जाएगा अपने पास, zero। और the second possibility is के या तो x plus 2 zero हो, जिसका मतलब होगा कि जो x है उसका value कितना हो जाएगा अपने पास, basically minus 2, जो x है उसका value हो जाएगा minus 2। So these are the two possible solution, x equal to 0 and x is equals to minus 2। So solve कैसे किया वो सबको समझा अभी? Yes sir। हाँ sir। हाँ, यहाँ पे answer conclude नहीं होता, यहाँ पे एक logical step और भी है, वो समझना। जरा एक बार चेक करो कि अगर आप ये x इक्वल टू माइनस टू जो आया है इसको लॉग के बेस में पुट करोगे यहाँ पे, तो x को माइनस टू पुट करने पे बेस क्या हो जाएगा? माइनस फोर। नहीं बेटा, जीरो हो जाएगा ना, माइनस टू प्लस टू। हाँ हाँ, तो बेसिकली ये जीरो हो जाएगा। तो क्या लॉग का बेस कभी जीरो हो सकता है? नहीं नहीं, हमने डिफाइन किया था कि बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो x इक्वल टू माइनस टू पे जो बेस है, क्योंकि वो जीरो हो रहा था, तो यहां मैं ऐसा लिखूंगा कि x इक्वल टू माइनस टू इज नॉट द सॉल्यूशन, x इक्वल टू माइनस टू इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि इस पे अपने पास बेस क्या बन रहा है, जीरो। ठीक है, बट x इक्वल टू जीरो, जब जीरो पुट करते हैं तो बेस कितना बनेगा, टू, सो टू हो जाएगा। तो यस, इट इज वेरी वेल डिफाइंड, तो दिस इज, यस दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहां पे आपका रहेगा, भली सॉल्व करने पे आपको आंसर दो मिले, बट आउट ऑफ दोस टू वैल्यू अपना जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ क्या होगा, x इज इक्वल टू जीरो। समझे सिंपलीफाई कैसे किया? हाँ सर। ओके ठीक है, चलो नोट करना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आज सबको ऑलरेडी हो गया है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, क्विकली इसको भी ट्राई कर लो।
So the next one is 4 to the power log 3 to the base 9 plus 9 to the power log 4 to the base 2 is equal to 10 to the power log of 83 to the base x. 4 to the power log 3 to the base 9 plus 9 to the power log 4 to the base 2 is equals to 10 to the power log of 83 to the base x. Then solve this equation and find the value of x. Solve this equation and find the value of x. Try karo isko. Let me check the answer, beta. Just a second. Yes, x equal to 10 is the answer. Very good. Okay. Anybody else got the answer? Anyone? Yes, sir. 10. 10. Okay. Perfect. Chalo. Kaise start kiya? Mujhe khali approach bata do. Sir, pehle log 3 to the base of 9 ko solve kiya. फिर बाद में log 4 to the base of 2 को सॉल्व किया और फिर जो वैल्यू था उसमें पुट करके फिर आंसर निकाला. वेरी गुड अप्रोच इज वेरी मच परफेक्ट. चलो एक बार क्विकली समझ लेते हैं कि हमने इंडिविजुअली इनको सॉल्व कैसे किया और क्या इसका अपने को बेनिफिट होगा. सो यहां पे देयर आर मल्टीपल लॉग्स. एक आपको दिख रहा होगा यहां पे log 3 to the base 9 है, एक log 4 to the base 2 है. तो मैं एक काम करता हूं, इनको हर एक को सेपरेटली सॉल्व करता हूं. सबसे पहले आई एम सॉल्विंग log of 3 to the base 9. I don't know इसका value क्या है, तो मैंने क्या किया, let us say assume कर दिया कि इसका value कुछ तो a है. अब इस log को solve करने के लिए इसको exponential में convert करेंगे, तो ये आएगा 3 is equal to 9 to the power a. 3 is equals to 9 to the power a. मुझे बताओ ये सबको समझा मैंने कैसे लिखा? हाँ sir. Okay. Now, जब 3 is equal to 9 to the power a आया, तो 9 को आप लिख सकते हो 3 square, that means 3 to the power 2a. On comparison, I can simply say 2a is equal to 1 or a is equals to 1 by 2. 2a is equals to 1 or a is equals to basically 1 by 2. ये होगा आपका final solution for the first part. इसका मतलब ये हुआ कि जो log of 3 to the base 9 है, उसका value आना चाहिए 1 by 2. This is the first power जिसको मैंने simplify किया. Now the second power. Second power में लिखा था आपके पास log of 4. Second power was log of 4 to the base 2. इसको simplify करने के लिए मैं इसको b बोल देता हूँ. और ये तो directly भी simplify हो सकता था, because log of 4 को आप लिख सकते हो 2 square to the base 2. और ये जो 2 है, ये power का उठ के आगे आ जाएगा. तो ultimately ये बनेगा 2 times of log 2 to the base 2. That is equal to b. और यहाँ पे log 2 to the base 2 का आंसर तो होता है अपने पास 1. तो b का जो वैल्यू है वो होगा अपने पास 2. मतलब कि जो दो पावर्स दिए थे उन पावर्स को सिंपलीफाई करने पे अपने को जो आंसर मिला वो एक पावर का मिला है 1 by 2, एक पावर का मिला है 2. अब क्वेश्चन को वापस से समझना. अब यहाँ पे फर्स्ट जो लिखा था 4 की पावर में log 3 to the base 9 हमने अभी सॉल्व किया और log 3 to the base 9 का वैल्यू आया है हाफ. तो मैं लिखूंगा 4 to the power हाफ. नेक्स्ट सेकेंड टर्म में क्या दिया था अपने को, तो सेकेंड टर्म में दिया था अपने को 9 टू द पावर लॉग 4 टू द बेस 2.
लॉग फोर टू द बेस टू का वैल्यू आया है टू, तो इसको मैं लिखूंगा नाइन का पावर टू इक्वल टू आरएचएस, आरएचएस में क्या लिखा है टेन टू द पावर लॉग ऑफ 83 टू द बेस एक्स, टेन टू द पावर लॉग ऑफ 83 टू द बेस एक्स। नाउ उसको सिंप्लीफाई करते हैं, टेल मी कि फोर की पावर वन बाई टू का मतलब क्या होगा बेटा? यस, फोर की पावर वन बाई टू का मतलब होगा बेटा रूट फोर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू टू, क्योंकि 4 की पावर 1 बाई टू लिखा है, सो 4 की पावर 1 बाई टू का मतलब होगा अपने पास रूट ओवर 4, और रूट ओवर 4 का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 2, तो मैंने इसको यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया, दिस बिकम्स 2। नेक्स्ट इज 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा अपने पास बेसिकली 81, तो ये हो गया 81 इज इक्वल टू 10 टू द पावर लॉग ऑफ 83 टू द बेस एक्स, 10 टू द पावर लॉग ऑफ 83 to the base x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया आपके पास 83, राइट साइड पे है 10 to the power log of 83 to the base x। अब मुझे एक चीज दिख रहा है कि यहाँ तो मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, कौन सा प्रॉपर्टी? लॉग में शिफ्टिंग वाला प्रॉपर्टी, यस, a to the power log b to the base c, इसी को आई कैन राइट b to the power log of a to the base c। बेनिफिट क्या होगा कि जब मैं इन दोनों को शिफ्ट करूंगा तो LHS RHS दोनों का जो बेस है वो एग्जैक्टली सेम बन जाएगा, और जब एक बार बेस एग्जैक्टली सेम बन गया तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को लिख लेता हूं, 83 इज इक्वल्स टू 83 टू द पावर लॉग ऑफ 10 टू द बेस एक्स। नाउ कंपेयरिंग बोथ दीज टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड में पावर रहेगा आपके पास 1, और राइट साइड पे है लॉग ऑफ 10 टू द बेस एक्स। व्हेन आई एम कंपेयरिंग लॉग ऑफ 10 टू द बेस एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहां पे आपको आंसर मिलेगा 10 is equal to x to the power 1, or I can say जो आपका x का वैल्यू होगा that will be equals to 10। So simplify कैसे किया ये समझा? Yes sir। जिन लोगों का सॉल्व हुआ था क्या उन्होंने सेम अप्रोच यूज किया था इसको सॉल्व करने के लिए? Yes sir। Yes sir। Okay, very good। चलो नोट करना है इसको। No sir। Okay, very good। Sir, एक doubt है। हाँ, हाँ बेटा बोलो। Sir पिछले सम में जैसे polynomial था ना? हाँ। तो सर वैसे हम हर पॉलीनोमियल को सॉल्व करने का वैसे लॉग का अप्रोच यूज कर सकते हैं? बट हर पॉलीनोमियल को सॉल्व करने के लिए नहीं, एक्चुअली क्या था ना कि इसमें लॉग का ही आपको पॉलीनोमियल दिया था, तो हमने उसको सिंपलीफाई करने के लिए उसका अप्रोच यूज किया, बट इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, क्वेश्चन किस फॉर्म में है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे बेटा। ओके हाँ चलो, ये सब क्लियर है सर? हाँ बेटा। सर आप इनइक्वालिटीज पढ़ाओगे ना? हाँ, इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा बेटा। लॉग मैंने पहले इसलिए नहीं है बिकॉज लॉग बेसिकली बहुत कम लोगों का बाकी था, तो लॉग पहले कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर इनइक्वेशन जिनका हो गया वो उसमें अटेंड नहीं करेंगे, वही पढ़ाऊंगा मैं। लॉग अपना कैसा है ना कि आज सेकंड सेशन है, थर्ड सेशन में लॉग खत्म हो जाएगा अपना। अब तक अपना जो पार्ट हुआ है उसमें लॉग के हमने बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं प्लस क्वेश्चन किए हैं, अब नेक्स्ट सेशन में इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट बाकी है, इसको हम बोलते हैं बेसियन्स थ्योरम, तो वो हम कंप्लीट करेंगे, लॉग को वहां पर रैप अप करेंगे, एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वेशंस के साथ। ठीक है? Yes। चलो, so आज के लिए इतना पार्ट काफी था, अभी अपना लॉक का खाली एक सेशन बाकी है, तो हम नेक्स्ट सेशन में लॉक को कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। इसका जो पीडीएफ और लेक्चर है रिकॉर्डिंग वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। हाँ बेटा बोलो। लॉक के बेस क्वेश्चन आप भेज दोगे ना? हाँ हाँ श्योर, देखना पड़ेगा। मैं आपको लॉक का प्रैक्टिस शीट ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, तो आज के लेक्चर के नोट्स अलॉन्ग विद उसका रिकॉर्डिंग और प्रैक्टिस शीट, मैं तीनों चीजें आपको शेयर कर रहा हूँ, इनको ट्राई करना। और सर बुकलेट में से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं तो सर उसमें कहाँ तक कर रहा, मतलब हो सकते हैं क्वेश्चंस? देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप बुकलेट से सॉल्व कर रहे हो ना, एक काम करता हूँ मैं बुकलेट को देख के ना क्वेश्चंस के नंबर पूरा लिख के प्रॉपरली ग्रुप पे अपडेट करता हूँ कि आपको कौन कौन से सॉल्व करने हैं, ठीक है? वो आपके लिए बेटर हो जाएगा आई थिंक। ओके सर। ठीक है, वैसा कर देता हूँ मैं। ओके श्योर, चलो। सो और कुछ क्वेरी है किसी को, एनीवन? चलो तो क्लोज करें सेशन को। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सर, बाय बाय बेटा।